सरकार को शिक्षित लोग नहीं चाहिए, सरकार को अनपढ़ लोग चाहिए जो गौरक्षक बनकर किसी की भी जान लेने में आगा पीछा ना देखें। अभी आप देख रहे हैं दो लड़कों की, दो अल्पसंख्यकों की किसी ने जान ले ली, किस बात के को लेकर कि वो गाय तस्करी कर रहे हैं। अरे हमारे आसपास कितने मुस्लिम परिवार हैं जिनका रोजी रोटी गायों का पालन और दूध बेचकर होता है, ये लोग उन्हें बना रहे हैं कि ये सारे तस्कर हैं, ये सारे गौ भक्षक हैं। अरे तुम गौ भक्षक हो भाई, तुम तो इंसान भक्षक। ये माता की रक्षा नहीं कर रही है, इंसानियत का कत्ल कर रही है। माता की रक्षा तो तब हो ना, देखिए जानवर इंसान के लिए है। आप देख रहे हैं गाय की रक्षा करके हम क्या करते हैं, गाय का दोहन करते हैं, उसका दूध निकालते हैं, उसके बछड़ों से काम लेते हैं, और जब वो किसी काम की नहीं रहती तो इन्हीं के प्रदेशों में, इन्हीं के गोवा जो कि बीजेपी शासित है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये बीफ फैक्ट्रियां लगा के गायों को मीट बेचकर, खुल्लम खुल्ला गाय का बीफ बेचकर विश्व में नंबर वन निर्यातक बन गए। ये ऐसा ही विश्व गुरु है जैसे कि हमारे मोदी जी विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। कैसा डंका बज रहा है कि वर्ल्ड बैंक और न्यूयॉर्क के बैंक और दूसरे दूसरे बैंक कह रहे हैं कि भाई मोदी के मित्रों से कोई ट्रांजैक्शन मत कर लो, उनके शेयर मत खरीदो। क्यों? क्योंकि वो डूब रहा है, भारत का ये जो कंपनी है डूब रही है। तो ये बन रहा है विश्वगुरु। ऐसा विश्वगुरु अगर ये बनाने के लिए हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, तो उसको हमें समझना पड़ेगा। और ये अभिभावकों को जागरूक होकर, शिक्षा प्रेमी लोगों को, टीचर्स को, सबको एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। यही प्रयास हमारा ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी का है और यही दूसरे दूसरे संगठन। लेकिन ये मूर्ख हमें क्या बताते हैं कि गौमूत्र पी लो कोरोना ठीक हो जाएगा। ये अंधविश्वासी क्या बताते हैं कि गोबर लपेट लो तो तुम्हारी बीमारियाँ खत्म हो जाएंगी, गोबर खा लो तो तुम्हारी, क्योंकि अनाज को तो ये सरकार ऐसे बाबाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? सरकार बाबाओं से ही बनी हुई ये भाई, योगी को देख नहीं रहे हो? एक दीक्षित परिवार के ऊपर बुलडोजर चला दिया, वो बेटियां बिचारी, बेटी और माँ जल के मर गई। तो ये बाबाओं के हाथ में आज देश है। ये बाबाओं को, वो धीरेन्द्र या क्या नाम था उसका, हाँ धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसे लोगों को ये वोट बैंक बनाने के लिए खुला छोड़े हुए, ऐसे लोगों को ये बलात्कारी क्रिमिनल, एक वो जो धन सतगुरु है राम रहीम बाबा है, उसको हर तीसरे दिन पैरोल मिल जाती है। हमारे छात्र, हमारे कफील जैसे डॉक्टर, हमारे आदिवासी, हमारे दलित आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाले स्टेन स्वामी, वो बेचारे पानी के लिए मर गए, उनको पानी पीने के लिए सिपर तक नहीं मिला। तो ये उन लोगों को तो खुली छूट दे रहे हैं, उन्हें खुले सांडों की तरह सींग मारते घूमने दे रहे हैं। और जो मानवता की आवाज़ बुलंद करने वाले हैं, जो विज्ञान की बात करने वाले हैं, जो इंसानियत की बात करने वाले, समानता की बात करने वाले हैं, डेमोक्रेटिक मूल्यों की बात करने वाले, उन्हें जेलों में ठूंसेंगे। डिमांड ये है कि हमारे बच्चों को सेक्युलर, साइंटिफिक, डेमोक्रेटिक, व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण और मानव निर्माण की शिक्षा विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे धूप, हवा और बारिश की बूंदें हैं, उस तरीके से मुहैया कराए सरकार, जिसके लिए हर व्यक्ति टैक्स पे कर रहा है और वो टैक्स जो इनके मित्रों की झोली में जा रहा है, तिजोरी में बंद हो रहा है, उनका मुनाफा बन रहा है, तो उसके खिलाफ हम आज NEP 2020 जो एक ये प्राइवेटाइजेशन का, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन करने का एजेंडा लेकर आए हैं, उसके विरोध में आवाज़ बुलंद करने यहाँ पर आए हैं। जिस तरह से रोटी शरीर के लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से मानव बनाने के लिए, इंसान बनने के लिए, आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग भी होमो सेपियंस एक जानवर ही है, साइंस की भाषा में एक जानवर है, उसे इंसान कौन बनाता है? उसे इंसान बनाती है सदियों से हमारी जो विचारधारा है, सदियों से जीवन मूल्य हैं, वो जीवन मूल्य कौन देता है बच्चों को? शिक्षा देती है। उन जीवन मूल्यों की अगर कीमत बनाकर तिजोरी में बंद कर दिया जाए और हमारे बच्चों को मजदूर बनाने के लिए, सस्ते मजदूर बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर 6ठी क्लास से उनके हाथ में पंचर लगाने का या इलेक्ट्रिशियन बनाने के लिए पेचकस पकड़ा दिया जाए या कुम्हार के बर्तन बनाने वाला एक वो पकड़ा दिया जाए चाक, तो
क्या ये जायज है? क्या इस दुनिया में आने वाले समय में क्या भारत में इंसान बचेंगे? देखिए, लोगों को महंगाई की मार से, रोजी रोटी की मार में इतना उलझा दिया है कि वो सुबह उठते हैं, खाने के जुगाड़ में निकलते हैं रोटी के लिए, नौकरी आज बचेगी कि नहीं, आज हमें रोजगार मिलेगा कि नहीं, आज दिहाड़ी मिलेगी कि नहीं, इस चिंता में लोग जाते हैं। तो सबसे पहले उन्हें रोटी चाहिए, शिक्षा उसके बाद चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, वो एक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लेकिन उससे भी पहले रोटी है। तो दुर्भाग्य से हमारे समाज में आज इंसानों को जानवर की इंस्टिंक्ट पे ला दिया है। जानवर खाने के लिए जीता है, वो कुछ और नहीं सोचता है, लेकिन इंसान तो मानवता के लिए जीता है। जानवर जन्म लेता है प्रकृति में, अपना प्रकृति से खाना जुटाता है और प्रकृति में ही मर जाता है। तो लेकिन इंसान समाज में पैदा होता है, कपड़ा लत्ता भोजन सब कुछ उसे समाज देता है। इवन जो मैं बोल रही हूँ, ये ज्ञान भी मुझे समाज ने दिया है, ये हमारे पूर्वजों ने दिया, हमारे ज्ञानी लोगों ने दिया है। लेकिन अगर ये ज्ञान ही ना मिले तो हम सवाल ही नहीं उठा पाएंगे, जानवर बन जाएंगे। देखिए, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो डिग्री धारी है। कहीं से भी आप सर्टिफिकेट छपवा के, आपको तो पता है हमारे नेताओं के भी नाम से बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए पास के और भाई गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए पास के सर्टिफिकेट छपे हुए। ऐसे लोग अगर वो सचमुच ही एजुकेटेड होते तो वो वर्मा लिखने के पीछे किसी मोची को नहीं सताते। क्यों? क्योंकि ये वर्मा शर्मा या दलित या सुवर्ण या कोई भी, ये प्रकृति ने नहीं बनाए, ये समाज में उन लोगों ने जो सत्ता में रहकर अपना सत्ता का आनंद लेना चाहते थे, दूसरों को गुलाम बना के रखना चाहते थे, उन्होंने ये व्यवस्थाएं बनाई। उन व्यवस्थाओं को आज अगर कोई उन 5000 साल पुरानी व्यवस्थाओं को लेकर जीता है या इम्प्लीमेंट करता है तो वो आदमी कहलाने लायक नहीं है, वो शिक्षित तो बिल्कुल है। देश की राजधानी दिल्ली में है ये हालात? हाँ बिल्कुल है, दिल्ली में भी तो देश के वही लोग रह रहे हैं ना, जैसे जैसे राजा वैसी प्रजा। अब राजा दिख रहा है, पहले कभी ऐसी घटनाएं होती नहीं थी, अब दिख रहा है कि अगर तुम किसी दलित के, किसी मुस्लिम के या किसी महिला के विरुद्ध कोई कार्य करोगे तो तुम्हारे बचाने के लिए कानून भी है, तुम्हारे बचाने के लिए पुलिस भी है, तुम्हें बचाने के लिए सत्ता में बैठे वो लोग भी हैं जो खुद क्रिमिनल है। ये धार्मिकता क्या कहेंगे इसको, ये धार्मिकता तो है ही नहीं, क्योंकि धर्म अपने आप में एक समय में मानवता को बचाने के लिए पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ था, लेकिन आज धर्म मानवता को खत्म करने पे चल रहा है। तो धर्म को अगर सही मायने में धर्म कोई माने तो वो इंसान को मार ही नहीं सकता, वो किसी दलित को वर्मा लिखने पे सता ही नहीं सकता। और ये जो धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठी करी जाती है, ये उन्हीं अनपढ़ लोगों की भीड़ होती है, उन्हीं लोगों की भीड़ होती है जिन लोगों को शिक्षा का मतलब नहीं पता, जिन लोगों को जब पता ही नहीं है कि इंसानियत के मूल्य क्या है, बिल्कुल नहीं है। ये सरनेम तो किसी तरह से किसी का बपौती है ही नहीं। ये जो अहंकारी लोग हैं, जो एक तरह से मूर्ख लोग हैं, जो एक तरह से बेगैरत लोग हैं, वो किसी दूसरे के धर्म, जाति, सरनेम इस पर सवाल उठाते हैं और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम लोग इसी लड़ाई को लेकर पूरे देश में आंदोलन खड़ा किए हुए हैं सभी भेदभाव के खिलाफ। और शिक्षा जो सच्चे मानव बनाने की शिक्षा दी जाए, ये ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी इसी उद्देश्य से आज यहाँ पर इस बहुत है देश में। हाँ बिल्कुल है, लेकिन आप ये नहीं जान रहे कि इनको मूर्ख कहने वालों की संख्या उनसे भी ज्यादा है। लेकिन परेशानी की बात ये है कि जो समझदार, तथाकथित समझदार लोग हैं, जो जानते हैं कि भाई सच क्या है गलत क्या है, उनकी चुप्पी इन लोगों को शह दे रही है। अपराध करने वाला उतना गुनहगार नहीं है, लेकिन अपराध को चुपचाप देखने वाला गुनहगार है, और हम वो चुपचाप अपराध होते नहीं देख सकते, इसलिए हम सड़क पर हैं। लेकिन जो घरों में बैठे हैं और जिनके सामने मर्डर हो जाते हैं, जिनके सामने किसी की पिटाई हो जाती है घोड़ी पे चढ़ने पे, मूंछ रखने पे या सरनेम लिखने पे, और वो जो इकट्ठे खड़े हुए देखते रहते हैं, वो मानव कहलाने लायक नहीं बचते हैं, क्योंकि इंसानियत का कत्ल होता है। उनके लिए क्या कहेंगे? वो भी विज्ञान के दुश्मन है, मानवता के दुश्मन है, क्योंकि विज्ञान हमसे पहले था, विज्ञान हमके बाद भी रहेगा, विज्ञान
जीवन दाता है, जीवन ये जो वृक्ष पौधे ऑक्सीजन ये सब हमें कौन बताता है? विज्ञान बताता है। पूछ करने वाले भी वही है, मैंने बताया ना, जो चुप है उन्हें तो पता है ये क्या है, लेकिन वो चुप्पी उनकी इनके लिए वरदान बन गई है। तो चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, सड़क पे उतरना पड़ेगा। और ये जो मेंढक कर रहे हैं, खुला चैलेंज देते हैं वो लोग, अरे वो चैलेंज क्या देंगे, ये समाज एक दिन आएगा कि ये खुद चैलेंज देगा। क्योंकि आप देखा श्रीलंका में या अलग अलग जगहों पे, जब जब जनता खड़ी होती है, जब जब जनता आवाज बुलंद करती है, तब ये जो मेंढक टर्रा रहे हैं ना, ये सारे बिलों में घुस जाते हैं, तब ये देश छोड़कर भाग जाएंगे। ये इनके अपने झोला उठाकर चल दूंगा वाली कहावत सच साबित हो जाएगी। देश को इन्होंने रहने लायक छोड़ा ही नहीं, देश की संपदा बाहर जा रही है, देश में संसाधन बेचे जा रहे हैं, और जो काम करने वाले इंटेलिजेंट लोग हैं उनके लिए काम करने की जगह ही नहीं है, काम करने के लिए संस्थानें ही नहीं बची हैं, तो वो क्या करेंगे? वो अपने बच्चों को लेकर बाहर चले जाएंगे। तो ये इस व्यवस्था का कसूर है, उन लोगों का कसूर नहीं है जो जा रहे हैं। लोग ये कह देते हैं भाई देश अपना है, देश को क्यों छोड़ रहे हैं? अरे भाई देश में जीना मुश्किल हो जाए अगर लोगों की जान बचाने का अपराध मान लिया जाए कि भाई गोरखपुर के हॉस्पिटल में कफील ने बच्चों को मरने से बचाया, उसने रात भर घूम के सिलेंडर ऑक्सीजन के इकट्ठे किए और उसी को अपराधी बनाकर और यूएपीए लगाकर जेल में डाल दिया, उसे टर्मिनेट कर दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। देखिए राष्ट्र कभी हिंदू मुस्लिम या कोई और तरह का नहीं हो सकता, राष्ट्र राष्ट्र होता है, और राष्ट्र हमारा खास करके भारत राष्ट्र एक फेडरल स्टेट है, एक धर्मनिरपेक्ष स्टेट है, और सबके लिए समान अवसर संविधान में लिखे हैं। सेक्युलर हमारी स्टेट है, और सेक्युलर मूल्य को यहाँ एस्टैब्लिश किए बिना ये देश चलेगा नहीं, और ये अगर इस तरह से करेंगे तो इस देश को ये बर्बाद करेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे, और हम उस हिंदू राष्ट्र के शब्द का ही विरोध करते हैं।